एक तो इस लाइट ने बहुत ज़्यादा दुखी करके रखा है, सुबह सुबह लाइट चली जाती है। और मेरी यहाँ पर सांस बंद होने लगी है, मेरे को लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा यहाँ पर अगर मैं 2-3 मिनट और बैठी रही। नहीं उठा, मैं पानी फेंकू। उठना नहीं उठना, उठो ना, उठो जल्दी, उठो उठ रहा हूँ जल्दी उठो। रात को सोना चाहिए ना तुम्हें, रात को जागते रहते हो, ड्रीम 11 पे बैठे रहते हो। अब वो क्या बात है वसीम, आपको मिशू देख आप, मिशू नहीं तो कान खा लेंगे हमारे, अब कान के पर्दे फटने लगे। रोटी खाना मैं खा लूंगी, आप अपना मुंह बंद करो। पहाड़ी में बोल, नहीं बोलो मिशू, 10 रुपए दूंगी बोल, दो अभी को तेरी बाद में दूंगा, मुझे पैसे देने पड़ते, बाद में दूंगा, बाद में देगी दीदी देगी। 10 रुपए मैं दूंगी, 10 रुपए भाईजान देंगे, 10 नहीं 5 में तो 1 रुपए की है, चल फिर 10 बातें तेरे को पहाड़ी में करनी पड़ेंगी। ये गाइस ये जब पहाड़ी में बात करते हैं ना सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। कुड़िया क्या नहीं उठा, मैं पानी फेंकू। उठना नहीं उठना, उठ रहा हूँ ना, उठो जल्दी उठो उठ रहा हूँ जल्दी उठो। रात को सोना चाहिए ना तुम्हें, रात को जागते रहते हो, ड्रीम 11 पे बैठे रहते हो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, और अभी ना मैं जा रही हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी किचन में, जहाँ पर हम सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है आग जलाते हैं। तो मेरे को ना आज वहीं पर बैठकर मैं चाय पीऊंगी। और अभी ना आपको रूम के अंदर जो है अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा होगा, क्योंकि सुबह के टाइम जो है लाइट चली जाती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी है लाइट को, मेरे को भी समझ नहीं आती है। दिन के लगभग 2 या 3 बजे लाइट जो है आती है। कमेंट्स आए थे और उन्होंने कहा था कि जम्मू में आग कौन जलाता है। गाइस ऐसा नहीं है कि जम्मू में आग नहीं जलाते, कुछ घरों में आग जलाई जाती है। तुमने उठना नहीं, मैं गिलास पानी का फेंकू वसीम तुम्हारे ऊपर। तो क्या फेंक के क्या होगा? सोन अगर मैंने सोना होगा तब भी मैं सो ही लूंगा, अगर फेंक भी देगी। जल्दी उठो, मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना मैं बाहर से बाल्टी पानी की ला के मैं पूरा दिन नहला दूंगी तुम्हें बिस्तर के अंदर। आए आए शाबाश, चलो। तो गाइस मैं अभी फिर से सोने लगा हूँ, मुझे अभी जागा था, मतलब सोबिया ने जबरदस्ती जगाया, मुझे नींद तो बहुत थी, लेकिन ना ही मिसबा ने छोड़ा मुझे जगाने से और ना सोबिया ने, लेकिन मुझे अब नींद बहुत आई है। मैंने चाय तो पी ली है, फिर से मैं अब सोने लगा हूँ। तो ठीक है, बाय, खुदा हाफिज। मुझे मर्ची लग रही है, क्यों आंखों में लग रही है, मुझे भागना है यहाँ से। तो गाइस मैंने चाय पी लिया, तो अब ना मैं जा रही हूँ अंदर दूसरे रूम में, और मेरे को अब करने हैं बिस्तर वगैरह फोल्ड। और मेरे को ना धुआं भी बहुत ज़्यादा लग गया है, इस किचन में ना धुआं बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मेरी यहाँ पर सांस बंद होने लगी है, मेरे को लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा यहाँ पर अगर मैं 2-3 मिनट और बैठी रही। मेरे को आँख से आंसू भी निकल रहे हैं, भागना ही पड़ेगा यहाँ से। और इधर तो अंधेरा ही अंधेरा पड़ा हुआ है। चिल्ला रही हो सुबह सुबह, क्या बोल रही है? मैं कहाँ उतार रही हूँ कमल, मैंने तो नहीं उतारा, मिसबा उतार रही है। मिशू क्यों पैसे दिला रही है तू मेरे को सुबह सुबह यार, भाईजान से भाई, तुझे पता ना भाईजान का कैसे बोलते होते हैं। अभी लो सो जाओ, अब 10 बजे 12 बजे से पहले मैंने उठना भी मत, ठीक है? 2 बजे से पहले नहीं उठूंगा, ठीक है? 4 बजे का टाइम दे देती हूँ, 4 बजे से पहले मेरे को दिखियो मत उठते हुए, समझ आई बात? सो गाइस मैंने दाल चढ़ा दी है गैस पर, और जब तक दाल बनती तो तब तक मैं ना और बाकी जो भी काम मेरे को रह गया करने के लिए वो मैं कर लेती हूँ। बर्तन जो है सुबह के वो तो मैंने धो लिए हैं, अब बस रह गई मेरे को झाड़ू। और अभी मैं जा रही हूँ जो हमारे घर में सबसे छोटी किचन है ना, उस किचन में जा रही हूँ और देखती हूँ वहाँ का क्या हाल है। वो इधर तो मिसपा ने क्या 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 कचरा डाल के रखा है। इधर देखो गाइस, मिसपा सुबह सुबह उठती है, बैग यहाँ पर खोल के रखती है, और ये देखो इतना सारा उसने यहाँ पर गन डाल के रखा है मेरे लिए। डेली ये ऐसा करती है मेरे साथ, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे। उसको पता है बस दीदी है समेटने के लिए, वो समेट देंगे। उसको मैंने 1000 बार समझाया कि अगर तू बैग में से कोई भी सामान निकालती है, बुक वगैरह, तो बैग में डाल के रख दिया कर, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती है। गाइस अभी दिन के बज रहे हैं 12:30, और मैं दिन का खाना बना रही हूँ वो भी चूल्हे पर। जो खाना चूल्हे पर बनता है ना उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो मैं दिन के लिए क्या खाना बना रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि टाइम जो है वो मेरे पास बहुत कम बचा है। 1 बजे या 2 बजे तो खाना खाते ही है, तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, तो उसके बाद मैं गाइस आपको बता दूंगी। सोबिया अभी तक आज खाना क्यों नहीं बना? टैक्सी लेट होगी। क्यों? तुझे पता है ना इस टाइम हम खाना खाते हैं, आज होगी लेट। 1-1:30 बजे तक, 1:30 बजे तो बना होना चाहिए। क्यों लेट हुआ? अब देखो सोबिया क्या खा रही है, आलू भुजा खा रही है। खाना मुझे नहीं दे रही लेकिन आलू भुजा देखो कैसे खा रही है उसको। ये तो आलू भुजा से पेट भर दिया, वो तो आलू भुजा खा खा के। तो मुझे खाना नहीं मिल रहा, मैंने कहाँ लाया? पहले का पड़ा हुआ था, वो अंदर पड़ा हुआ था, मैंने वहां से उठा कर दिया। मैंने खुद रखा, मैं खुद खाऊंगा, लेकिन सोबिया ने क्या किया, खुद ही उठा कर खा लिया। तो अब देखो फिर चूल्हा जलाया हुआ है, तो गैस पे क्यों नहीं बनाया? खाना जल्दी बन जाता। गैस पे नहीं जल्दी बनता है, चूल्हे पे जल्दी बनता है। और टेस्टी खाना बनता है चूल्हे पे। सच में? ठीक है, आइंदा चूल्हे पे ही बनाना। अच्छा ठीक है, मत देना। खाओ आराम से। मैंने जूठा कर रखा हुआ है, चावल भी सारे नीचे गिरा दिए। मैंने जूठा कर रखा है पहले से। तो मुझे दे फिर, मैं देख रहा हूँ, अच्छे से खाना खाओ। दाल क्यों नहीं ली? बातें नहीं करते, गुनाह होता है। तो मत करो ना बातें, मैंने कहा बातें करो। मेरी ऑडियंस, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुम अपना समझाती थी जब हम खाना खाते, तो बातें मत लगाया करो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुंह लगा के खाना खाओ, मुंह लगा के और दाल डाल कर खाना खाओ। दाल डालो खाने में। दाल सब्जी लिए ना, टमाटर। ये क्या सब्जी है ये? टमाटर की। क्या बकवास सब्जी बनाई है? अभी खा रहे नहीं। हाँ अच्छा, वो सही, हाँ सही थी। अभी टमाटर की सब्जी के अलावा खाना नहीं खाने हुआ। आप देखो ना क्या बोले, क्या बकवास सब्जी बनाई हुई है। तो दाल भी तो साथ थी ना, तभी खा ली। दाल ना होती तो फिर मैं कहाँ खाता ये तरक्की भी। दोबारा मेरे बनाई हुई किसी चीज के साथ भी हाथ लगाया ना तुमने। मेरा नाम भी सोबिया वसीम राजपूत है। तेरी क्या नाम है आपका? कितनी है? तो हु हाथ से मिर्ची क्या दूर हो जाएगी? मेरा गिलास है ना, मुझे भी लगी मिर्ची। अब ये भी लगी करने नाटक। मिर्ची खा ली हरी भरी। दीदी गर्म बनने देना मुझे, इसमें गर्म आ रही है। मैं भी ठंडा मारी। ओ तेरी गर्म वाली मुझे नहीं पीना। ये देखना, ये देखना खजूर दिसनी सन ताइया दा कड़ी कड़ी मिर्ची लगनी सी। पापा ने लाई है, मेरे लिए लाई है बेबी, मेरे लिए लाई है, मेरे लिए। मैंने जितनी बात कही उतनी बात किया कर। मेरे लिए लाई है, बस मेरे लिए लाई है। पापा ने अपने लिए लाई थी। अपने लिए नहीं, मुझे बोला था मैं अंदर रख रहा हूँ तो खाना। ओके तो नहीं खाया जाता, तभी तो मेरी जो खजूरें दिख रही हैं तभी। खजूरें एक भी नहीं, देख दो ही तो खजूरें छोड़ी हैं, कौन सी ज्यादा है? दो ही खजूरें तो छोड़ी हैं। अरे सबको देना मामू ने, तो फिर ये थोड़ी सी दी आपके लिए। मेरे को बोला था कि अंदर रख देना, तो मेरे को मामू ने पहले दी थी, मैंने वो खाई थी। मामू ने मेरे को खुद दी थी, ठीक है। मैंने तुम्हारी खजूरें नहीं खाई, अभी खाई है। दो तुम्हारे सामने ली है मैंने, दो मैंने खाई, दो मिशु को दी, दो आपको दी। वाह, मेरे लिए चाय आ गई है साथ में। क्या है टेढ़ा मेढ़ा? वाह, और क्या है? आलू भुजिया। तुम कम पियोगे चाय? आज हम मारेंगे चाय की चुस्की। चाय की पार्टी हो रही है हमारी। क्या हो रही है? चाय पार्टी। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं, फटाफट से चाय पियो। आज तो भी हम पी रहे हैं लिप्टन चाय, क्योंकि वसीम जो है वो अभी काम से फ्री होकर आए हैं घर, तो उनके लिए अभी काम है। फ्री हुआ? अभी बहुत काम है, अभी खत्म नहीं हुआ। अब सुबह ही जाना ना काम। सुबह नहीं, अभी फिर से जाना। ठीक है, फिर पियो चाय तो जाओ।